हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टेंसेस। सो लेट्स बिगिन। टेंसेस की बात करें तो कह रहा है शो द टाइम ऑफ द एक्शन और इवेंट। एक स्टेटमेंट में जो इवेंट या एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, उस चीज का जो टाइम है वो हमको टेंसेस शो करते हैं या टेंसेस बताते हैं। फर्दर बात करें तो टेंसेस तीन टाइप्स के होते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो हो रहा है, पास्ट टेंस जो हो चुका है और फ्यूचर टेंस जो होने वाला है। टाइम को शो करने के यही तीन तरीके तो हो सकते हैं, है ना। फर्दर बात करें इसी टाइम को मोर एग्जैक्ट या मोर प्रिसाइजली शो करने के लिए हमने इन तीन टेंसेस को फर्दर चार टाइप्स में बांट दिया है। क्यों बांटा है? ताकि हम उसी टाइम को मोर एग्जैक्टली या मोर प्रिसाइजली बता पाए। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस चार टाइप्स के हो सकते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनाइट या इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सेकंड इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव की जगह कभी कभार कंटिन्यूअस भी बोल देते हैं, तो बना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये था हमारा सेकेंड टाइप। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अभी हमने सेकंड में ही बात करी थी, प्रोग्रेसिव की जगह हम कई बार कंटिन्यूअस भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हम बोल सकते हैं। सेम चीज हमारी पास्ट टेंस में होगी। द फर्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनाइट और सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड इज पास्ट प्रोग्रेसिव या हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं। सेम चीज हम फ्यूचर टेंस में करेंगे। फर्स्ट टाइप इज फ्यूचर इनडेफिनाइट या सिंपल फ्यूचर, द सेकेंड वन इज फ्यूचर प्रोग्रेसिव या हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट व्हाइल द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं। सो दीज आर द बेसिकली 4, 8, 12 टेंसेस जिनके बारे में हमने इंडिविजुअली पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन। सो हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट ले रहे हैं, जिसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस बोला था। तो ये कह रहा है सिंपल प्रेजेंट में बेसिकली जो फॉर्म है वो कह रहा है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट में हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। याद करो, हम बचपन में फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं पढ़ते थे, जैसे गो, वेंट, गॉन, है ना। सिंपल प्रेजेंट में हम हमेशा बेस फॉर्म लेंगे या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज की जाती है। अगर हम बात करें फर्दर तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या हो सकता है, एक व्यू लेते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो वो क्या हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही, शी, इट हो सकता है, दे भी हो सकता है, ठीक है। और अभी हमने बात करी चाहे सब्जेक्ट जो मर्जी हो, सिंपल प्रेजेंट में हमारा बेस फॉर्म लगेगा या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, दैट मींस यहाँ पे प्लस वी वन हो जाएगा सबके साथ, चाहे सब्जेक्ट जो मर्जी हो। फर्दर मैंने इस टॉपिक में आपसे एक और बात डिस्कस करनी है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसके साथ एस ई एस भी लगेगा, जैसे ही, शी, इट है। इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा, लेकिन इसके साथ एस ई एस भी लगेगा सिंस ये सिंगुलर है। सिंस दे प्लूरल है, दैट मींस यहाँ पे एस ई एस नहीं लगेगा। सिंस वी प्लूरल है, यहाँ पे एस ई एस नहीं लगेगा। अब बचा हमारे पास आई और यू। यू की बात करें तो यू एज सिंगुलर भी यूज होता है और यू एज प्लूरल भी यूज होता है। सिंगुलर तो आपको पता है, प्लूरल कैसे मैम? प्लूरल ऐसे, सपोज जब एक टीचर लेक्चर एड्रेस कर रही होती है और उसका लेक्चर खत्म हो जाता है, तो वो स्टूडेंट्स को कैसे एड्रेस करती है कि आई सी यू स्टूडेंट्स, आई सी यू गाइज टुमारो। तो यहाँ पे यू एक पर्टिकुलर बच्चे को नहीं बट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा है, देयर फॉर यू एज प्लूरल भी यूज होता है एंड दिस इज द रीजन यहाँ पे एस ई एस नहीं आता। यू अगर सिंगुलर में भी यूज हो रहा है तब भी एस ई एस नहीं आएगा। अब मैम बचा आई।
आई तो सिंगुलर है, तो आई के साथ एस ई एस क्यों नहीं यूज होता? सिंस हमको पता है आई हमेशा एक्सेप्शनली बिहेव करता है, थस यहाँ पे भी एस ई एस नहीं आएगा। देयरफॉर हम सम अप कर सकते हैं एस या ई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ इस केस में आ रहा है। मैम कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, चलो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे क्लियर होगा। जब व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस योर लव तो आप कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हो? यू से आई लव यू। क्या आप कहते हो आई लव्स यू? नहीं। यहां से ही आप इस छोटे से स्टेटमेंट से आप याद रख सकते हो, सिंस आई सिंगुलर है तब भी यहाँ पे एस ई एस नहीं आता, तो स्टेटमेंट बन जाता है आई लव यू। अगर इसी को वी में करना हो तो बनता है वी लव यू। सिंपल लॉजिक, सिंस वी प्लूरल है तो यहां पे एस ई एस नहीं आता। यू के साथ यू, अब यू लव यू तो हो नहीं सकता, तो यू लव मी, तो यहां पे यू लव्स मी नहीं आता, यहां पे भी एस ई एस नहीं आया। बट जब ही शी और इट आया तो आता है ही लव्स मी। एस दिख गया आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस यूज हुआ, शी लव्स मी। वेयर एज दे की बात करें तो यहां पे ठीक है, तो यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? जैसे दे लव अस, क्या एस ई एस आया? नहीं आया। देयरफॉर हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, साथ में सिर्फ ही शी इट के साथ ही एस या ई एस यूज होता है। यार अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सपोज क्वेश्चन है स्नेहा डैश टू स्कूल डेली और ब्रैकेट में है गो। अब यार तुम सोचो कि मैम सब्जेक्ट तो यहाँ पे स्नेहा है, लेकिन मैम सब्जेक्ट में आपने पांच कहे थे, यहाँ इन पांचों में कहीं स्नेहा तो है नहीं। यहाँ पे हम अपना दिमाग यूज करेंगे, हमको पता है स्नेहा सिंस एक इंडिविजुअल है, सिंस ये सिंगुलर है, देयरफॉर यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा उसके साथ एस या ई एस आएगा। देयरफॉर यहाँ पे स्नेहा गो टू स्कूल डेली नहीं हो सकता, स्नेहा गोज टू स्कूल डेली। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पे होता नेहा एंड स्नेहा डैश टू स्कूल डेली और ब्रैकेट में होता गो ही, सिंस हमको पता है नेहा और स्नेहा। अब आप बोलो मैम आपने पांच सब्जेक्ट तो कहा था और यहाँ पे नेहा और स्नेहा तो है नहीं। हमको यहां से पता लग रहा है नेहा और स्नेहा, सिंस दो इंडिविजुअल्स की बात है, थस ये प्लूरल होगा, थस यहाँ पे एस ई एस नहीं आएगा, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देयरफॉर यहाँ पे आया नेहा एंड स्नेहा गो टू स्कूल डेली। सो दिस वॉज अबाउट सिंपल प्रेजेंट, जिसमें हमने कहा हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होगा या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, लेकिन जो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसमें हम साथ में एस ई एस भी यूज करेंगे। अगर एक छोटा सा सम अप करें, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जो हो सकता है आई वी यू या दे, उस केस में हमारा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होगा या फर्स्ट फॉर्म ऑफ यू वर्ब हम सिंपली यूज कर देंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसा जैसे ही शी या इट, उस केस में हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ एस या ई एस यूज करेंगे। हम याद रखेंगे इन दो एग्जांपल्स को, आप याद रखना दिमाग में, इस सबको नहीं लेके चलना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी साथ में रखेंगे। सो दिस वाज अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।